हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिव्या हेल्प किचन। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही टेस्टी ब्रेड और डेरी मिल्क जो चॉकलेट होती है उसकी अलग रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये लिए मैंने ब्रेड ब्रेड इस टाइम मैंने 7 से 8 ब्रेड लिए हैं। ये लिए मैंने डेरी मिल्क चॉकलेट, ये इस टाइम मैंने 5 से 6 चॉकलेट लिए हैं। इसकी मैं आपको बिल्कुल एक अलग रेसिपी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोगों को ब्रेड को लेना है। तो इस टाइप के आप देख सकते हैं, मैंने ब्रेड लिए और ये लिया मैंने ग्लास। ग्लास मैंने इस तरीके का लिया, आप कोई भी शेप का ले सकते हैं। तो ग्लास को सबसे पहले इस तरीके से दबाना है, देख सकते हैं, इस तरीके से बना लेना है बॉल्स। इस तरीके के बिल्कुल राउंड शेप के बना लेना है बॉल्स ब्रेड के। तो इनको भी साइड में रखना है, इनका भी अभी बाद में यूज करेंगे हम। सबसे पहले बॉल्स बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से ब्रेड के बॉल्स बनाकर तैयार कर लेना है। तो जो ब्रेड के बचे हुए पीसेस बच गए हैं उनको पीस लेना है मिक्सी में। तो इनके 2 टुकड़े करके मिक्सी में पीस लेना है। आप देख सकते हैं, मैंने ब्रेड का इस तरीके से बिल्कुल पीस लिया है, ना ही ज़्यादा इनको बारीक पीसा है और ना ही ज़्यादा मोटा पीस में पीसा है। ये मैंने दूसरे बाउल में लिया है आधा बाउल पानी। तो अब इसमें 2 चम्मच के लगभग मैदा डालनी है। तो आप देख सकते हैं, इस टाइम मैंने 2 चम्मच के लगभग मैदा डाली है। मैदा को अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स पानी में। तरीके से मैंने मैदा का पानी बनाकर तैयार कर लिया है। और इस टाइम आप देख सकते हैं, ये मैंने डेरी मिल्क लिया है, ये मैंने पानी और ये मैंने लिया है ब्रेड। तो थोड़ा सा इस तरीके से हाथों में पानी लगाकर ब्रेड में लगा लेना है। तो सभी ब्रेड में इस तरीके से लगा लेना है पानी। और आप किसी भी परिवार में किसी भी को देंगे, किसी भी लोग को, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बहुत ही अलग तरीके से और जल्दी बनने वाला नाश्ता है। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, सुबह के 5 मिनट के अंदर अंदर ये बन जाता है। तो अभी जो चॉकलेट्स हैं उसको इस तरीके से 2 टुकड़ों में कर कर रखना है। और ये जो दूसरा पीस है उसको इस तरीके से ऊपर से दबा लेना है, साइड से थोड़ा पानी लगाना है हाथों में और इस तरीके से अच्छी तरीके से दबा लेना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये बन के तैयार हो चुका है। अच्छी तरीके से मैंने साइड में दबा लिया इनको। तो इसी तरीके से सभी को बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। और जो मैदा वाला पानी था उसको एक बार मिक्स कर लेना है। और अब चम्मच को हटाकर इस तरीके से डिप कर लेना है मैदा वाले पानी में। और अब इसको बचे जो ब्रेड के स्लाइसेस थे, बचे जो स्लाइसेस के मैंने किया था, पीसा था, उसको इस तरीके से डिप कर लेना है स्लाइसेस में। और ये रखा है मैंने ऑयल, आप देख सकते हैं, गरम करने के लिए। तो अब एक एक को डाल देना है। तो इस तरीके से इसको सेक लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से 1.5 मिनट तक मैंने इसको सेक लिया बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अब इसको निकालेंगे और सभी को इस तरीके से बनाकर सर्व कर लेने हैं। नाश्ता बनके आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है। तो मैं आपको एक अंदर से भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यमी लग रहा है ये। अगर आप इस तरीके से नाश्ता बनाएंगे तो आपके घर में सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो हमारे सिंपल तरीके से ये ब्रेड और चॉकलेट का नाश्ता बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। और इसके अंदर पूरे के अंदर चॉकलेट अच्छे तरीके से फिलिंग है, भरी हुई है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।